नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन उससे पहले आप सभी को कहना चाहूँगी कि मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और यदि आप चाहते हैं सही जानकारी, सभी जानकारी और निःशुल्क जानकारी, तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही आप में से बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मैम, हम अपने बच्चे को स्कॉलरशिप स्कीम के तहत उसका आवेदन भरना चाहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि जो स्कॉलरशिप स्कीम है, ये मेधावी योजनाएं हैं, ये कब निकलती हैं। तो आप सभी को बताना चाहूँगी कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम यानी कि 10वीं कक्षा तक के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिल सकती है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को, और पोस्ट मैट्रिक यानी कि 11वीं 12वीं के बच्चों को जो मेधावी स्कीम है, जो स्कॉलरशिप स्कीम है, उसके लिए फॉर्म निकले हुए हैं और आप यह फॉर्म जल्द से जल्द ऑनलाइन भर सकते हैं। प्री मैट्रिक यानी कि 10वीं तक, पोस्ट मैट्रिक यानी कि 10वीं के बाद 11वीं 12वीं। तो जो प्री मैट्रिक के स्कॉलरशिप फॉर्म है, ये 30 सितंबर तक भरे जा सकते हैं और पोस्ट मैट्रिक के 31 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं। ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, जिसका नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स इन स्कूल एजुकेशन। और बहुत ही बढ़िया यह जो योजना है, जो स्कीम है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार बहुत ही बच्चों को, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है ताकि शिक्षा वह बेहतर तरीके से प्राप्त कर सके। और जो शिक्षा से संबंधित उनके खर्चे होते हैं, कहीं ना कहीं उन खर्चों में उनकी मदद करते हैं ताकि बच्चों की बिना रुके पढ़ाई आगे होती रहे। साथ ही इस नोटिफिकेशन में जो दिल्ली के शिक्षा विभाग ने जारी करी है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है कि यह सभी स्कूलों में, आपका बच्चा किसी भी स्कूल में है, चाहे वह सरकारी है, चाहे वह सरकारी एडिड है, चाहे प्राइवेट स्कूल है, चाहे एमसीडी स्कूल है, चाहे एमसीडी एडिड है, एमसीडी अनएडिड है, एनडीएमसी है, डीसीबी है और केंद्रीय विद्यालय है, आपका बच्चा अगर माइनॉरिटी स्टूडेंट है और आपके बच्चा जो इनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि पिछली कक्षा में 50% उसके होने चाहिए और वह माइनॉरिटी स्टूडेंट है, और कक्षा 10वीं तक जो बच्चों स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे उनके माता पिता की सालाना आय 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 11वीं 12वीं के बच्चों की 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कुछ जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके बच्चे पूरे करते हैं, तो आपके बच्चे स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कूलों को कहा गया है कि वह स्कूल इस संबंध में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों को दे, बच्चों को दे, ताकि बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भर पाए। और ऑनलाइन फॉर्म जब बच्चे भर देते हैं, स्टूडेंट्स भर देते हैं, तो उसके बाद INO यानी कि इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर भी उस फॉर्म को वेरीफाई करता है। तो उसके बाद आपके फॉर्म भरने के बाद इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर आपके फॉर्म को वेरीफाई करेगा कि आपने जो जानकारी दी है सही दी है और आप यह स्कीम के तहत आप आवेदन भर सकते हैं, आपने जो आवेदन भरा है सही है, आप स्कॉलरशिप के लायक हैं। तो वह भी, नोडल ऑफिसर भी इसके बाद आपके फॉर्म को वेरीफाई करेगा। और इस संबंध में डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम, ये जो स्कीम है, इसकी जानकारी सभी अभिभावकों को, स्टूडेंट्स को दी जाए। जो मॉर्निंग में प्रार्थना सभा, सुबह प्रार्थना सभाएं होती हैं, मॉर्निंग असेंबली होती है, उसमें इसकी जानकारी दी जाए। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर संबंध में जानकारी से संबंधित पर्चे लगाए जाए ताकि बच्चों को संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो और जो बच्चे माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं वह स्कीम का लाभ उठा सकें। साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगी कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में, जैसे मैंने आपको बताया है, यानी 10वीं तक के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलेगी, उसमें बच्चों की पिछली कक्षा में परसेंटेज 50 से कम नहीं होना चाहिए, उनके अभिभावकों की सालाना आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, और 11वीं 12वीं बच्चों के लिए 50% पिछली कक्षा में होना चाहिए और उनकी सालाना आय अभिभावकों की 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही पिछले साल यह बात देखी गई कि बहुत से नोडल ऑफिसर्स हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स की ऑनलाइन फॉर्म को वेरीफाई नहीं करा, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को या फिर तो स्कॉलरशिप नहीं मिली या फिर तो डीले हो गया। ऐसे में सरकार का कहना है कि वह इस प्रकार की स्थिति को बहुत ही गंभीरता से ले रही है और चेतावनी देती है कि अगर किस प्रकार से स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप में देरी हुई तो पेनल्टी एज पर सर्विस रूल लगाई जाएगी। और नीचे अगर आप देखेंगे तो 15 पन्ने और जोड़े हुए हैं जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि नोटिफिकेशन में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वह तो मैं आपने लेकर आई हूँ, साथ ही सारी महत्वपूर्ण जानकारी, बाकी महत्वपूर्ण जानकारी आपको स्कूल से पता चलेगी। प्लीज़ अपने बच्चों के स्कूल जाइए, वहाँ संबंध में बात करिए और उनसे कहिए कि हमें फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी आपको स्कूल से मिलेगी। और जो नीचे 15 पन्ने हैं उसमें स्कॉलरशिप कितनी मिल रही है, प्री मैट्रिक कितनी मिल रही है, पोस्ट मैट्रिक कितनी मिल रही है, इसकी सारी जानकारी भी दी है। इस जो नोटिफिकेशन का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप एक बार इस पर नज़र डालिए, स्कूल में जाकर बात करिए
और अगर इस संबंध में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा जानकारी पता चली तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। फिलहाल के लिए इतनी जानकारी। उम्मीद करती हूँ वे सभी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो इस कैटेगरी के तहत आते होंगे, यानी कि जिनके बच्चों का पिछली कक्षा में 50% से अधिक मार्क्स हैं और पहली से दसवीं अगर कक्षा में उनका बच्चा है, अभिभावकों की सालाना आय 1,00,000 से अधिक नहीं है, और वह बच्चे जिनके पिछली कक्षा में 50% से अधिक मार्क्स हैं और जो 11वीं 12वीं में और जिनके अभिभावकों की सालाना आय 2,00,000 से अधिक नहीं है, वह इस स्कॉलरशिप स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। जल्दी करें, समय कम है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वसिष्ठ की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।